दोस्तों आज मैं आप लोगों को आलू टमाटर की सब्जी बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत इजी है और ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसे अगर एक बार घर में ट्राई कर ले, अगर घर में कुछ ना हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिलेगी। और सबसे टेस्टी इसको आप राइस के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ ट्राई कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दो आलू लिया है अपने हिसाब से और मैंने तीन टमाटर लिया है अभी, और मैंने मिर्च लिया है चार, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है इसलिए मैंने चार मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से मिर्च को ये कर सकती हैं। और उसके बाद मैं इसको काट लूँगी। आपको वेज में कुछ ऑप्शन ना मिले तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आलू को काट लिया है और टमाटर, मिर्च मैंने ये काट लिया है सारा। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और ये सूखी मिर्च डाली है, दो हल्की सी जीरा डाली है। ये थोड़ी लाल हो जाती है उसके बाद मैं आलू डाल लूंगी इस पे। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। ये देखिए मैंने सारा आलू डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये हल्की लाल होने तक मैं इसको पकाऊंगी। मैं इसमें नमक अपने हिसाब से दूंगी, आप लोग अपने हिसाब से नमक दीजिएगा। इसमें एक चुटकी हल्दी जाएगी, ज़्यादा हल्दी नहीं देना है आपको, क्योंकि इसका कलर आप रेडिश कलर होगा, ये येलो कलर का नहीं होगा। आप, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में ये किस कलर का होता है, ठीक है। ये देखिए ये लाल हो रही है थोड़ी थोड़ी। अब मैंने इसमें जो भी काट कर रखा था टोमेटो और ये हरी मिर्च, ये मैं सब इसमें दे दूँगी। फिर इसको अच्छे से चला लेना है। इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी मैं टोमेटो के साथ। ये थोड़ी फ्राई हो चुकी है टमाटर के साथ, तो अब मैं इसमें पानी दे दूँगी। मैंने एक गिलास पानी दिया है इसमें। अब मैं इसको चलाने के बाद इसको मैं 10 मिनट पकाऊंगी ढककर, टमाटर गलने तक। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारी सब्जी कितनी दूर हुई है। 10 मिनट हो चुका है ये सब्जी का। आय हाय 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 हाय। अब ये सब्जी को थोड़ा मैं क्रश कर दूंगी ये आलू को। ये देखिए टमाटर, आलू, ये सब हो चुका है। मुझे ये क्रश किया हुआ धनिया डाल देना है इसमें। मेरे पास था तो ये ऑप्शनल है, ये आपके पास रहे तो भी आप डाल सकते हैं, ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा चला दूंगी। तो ये देखिए आपकी सब्जी। अब आप बताइए ये सब्जी कैसी बनी है, लग रही है ना लजीज़।